नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। यहाँ पर दुबई की जानकारी देने जा रहे हैं। दुबई से बड़ी जानकारी जितनी भी इस वक्त फ्लाइटों को लेकर आ रही है और दुबई को ओपन होने को लेकर आ रही है वो देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहली बड़ी खबर जो है आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर यूके और दुबई के बीच में जो उड़ाने हैं वो इस वक्त नहीं चल रही हैं। यहाँ पर सभी जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये रिज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लाइटें हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी। ऐसे में काफी सारे लोग जो हैं यूके से दुबई के लिए जो उड़ाने हैं वो इस वक्त बुक कर रहे हैं। हालांकि अभी भी यूके और दुबई के बीच में जो ट्रेवल है उसको रेड लिस्ट में रखा गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, धीरे धीरे जो है यूएई अपने आप को खोलने की प्रैक्टिस जो है वो कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, यूएई में जो स्कूल्स हैं उनको भी ओपन किया जा रहा है। धीरे धीरे सभी जो पालन है ऑफिशियल जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसको पालन करके यहाँ पर कुछ जो बड़े स्कूल हैं वो इस वक्त खोले जा रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहें, बड़ी खबर एक और है, यहाँ पर सभी जो यूएई है यूएई में सारा कुछ आईपीएल का मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें, इंडिया में पैनेडेमिक की वजह से यहाँ पर बीसीसीआई ने सारी जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं आईपीएल की यूएई के लिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि जो यूएई के लिए उड़ाने हैं वो जल्द से जल्द शुरू होंगे। बाकी जितनी भी और भी अपडेट होंगी यूएई से दुबई से वो हम आपको देते रहेंगे। बाकी अगर आपका कुछ भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं आपका दोस्त नायक, मतलब नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।